We are going to solve the famous bridge network with the help of Y-delta transformation. Let us draw the network first, the bridge network. Current I is flowing in this circuit. We have to find RAB, the resistance between terminals A and B, and the current I flowing in this circuit. RAB jo hai, ye equivalent resistance hai of all these resistances, and I is the current flowing in this circuit. Now, ye tamam resistances jo hain, inko hum simplify karenge R equivalent ke form mein. तो एक सिंपल सर्किट हमारे पास आ जाएगा, देन वी विल फाइंड करंट आई. अब इसमें हम देखें 24 ओम और 30 ओम रेजिस्टेंसेस जो हैं ये सीरीज में हैं, लेकिन बीच में एक 20 ओम रेजिस्टेंस भी कनेक्टेड है. सो वी डोंट नो कि ये रेजिस्टेंस सीरीज में है या पैरेलल में है. सो हम इस सर्किट को, ये तमाम जो रेजिस्टेंसेज हैं, इनको रीड्रॉ कर लेते हैं इन अ सिंप्लीफाइड फॉर्म. 24 ओम रेजिस्टेंस जो है और 30 ओम रेजिस्टेंसेज ये आपस में कनेक्टेड हैं दोनों, लाइक दिस. एंड 10 ओम और 50 ओम रेजिस्टेंसेस जो हैं, ये भी आपस में कनेक्टेड हैं दिस वे. एंड दिस इज टर्मिनल ए एंड बी, एंड वी हैव टू फाइंड आर ए बी. आर ए बी इज एक्चुअली द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. ठीक है, इन तमाम रेजिस्टेंसेस को हम कंबाइन करेंगे इनटू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर्म. So 24 ohm, this is 30 ohms, 10 ohms and 50 ohm resistance. And 20 ohm jo resistance hai, ye inke center mein connected hai like this. 20 ohms. Kyunki hume nahi pata ki kaun si resistance parallel mein hai, kaun si series mein hai. So hum identify karte hain, yahan pe ek Y network hai with 10 ohm resistance, 50 ohm and 20 ohm resistance. We have identified a Y network here with these three resistors. जो हमें पता है कि ना सीरीज में है ना पैरेलल में है. ठीक है, हम उनको सिंप्लीफाई नहीं कर पा रहे, दैट इज वाई वी विल कन्वर्ट इट दिस वाई नेटवर्क टू अ डेल्टा नेटवर्क. इस वाई नेटवर्क को अगर ड्रॉ कर लें लाइक दिस इन अ वाई शेप, 10 ओम रेजिस्टर जो है दिस वन, एंड 50 ओम रेजिस्टर is this, and this is 20 ohm resistance. इस Y network को हम delta network में convert कर लेते हैं like this. Y network को हम delta network में convert कर लें. ठीक है, अब B जो node है इसके सामने जो resistance होगी that will be RB, और A के सामने RA होगी, B C node के सामने RC होगी resistance. Now to find RA, we know that के डेल्टा में चेंज करने के लिए वाई नेटवर्क की जितनी भी रेजिस्टेंसेज हैं उन सब के पॉसिबल कॉम्बिनेशन आ जाएंगे टेकिंग टू एट अ टाइम. सो दिस इज द फार्मूला वी डिस्कस इन द प्रीवियस वीडियो, एंड आर ए के सामने आर वन है रेजिस्टेंस, सो इट विल बी लाइक दिस. सो आर ए विल बी आर वन आर टू का कॉम्बिनेशन क्या है, प्रोडक्ट क्या है, 10 × 50 प्लस आर टू आर थ्री का प्रोडक्ट प्लस आर थ्री एंड आर वन का प्रोडक्ट ओवर आर वन इज 10 ओम्स. सो आर ए इज 170 ओम्स. वी हैव फाउंड अ रेजिस्टर फॉर डेल्टा नेटवर्क. So RA is 170 ohms. Now to find RB, अब न्यूमिरेटर जो है इसमें सेम वही 1700 ohms आ जाएगा, ओवर R1 की जगह क्या आएगा, RB फाइंड कर रहे हैं, सो R2 की वैल्यू आएगी 50. सो RB इज
34 ohms. Find RC, again 1700 over RC find कर रहे हैं, so R3 की value आएगी हमारे पास 85 ohms. RB 34 ohms आया था and RC is 85 ohms. Now we have found a delta network from the given Y network. So इस Y network की जगह हम place करेंगे delta network को. Redraw the circuit like this. बाकी resistances वैसे ही आ जाएंगी and जो Y network है उसको हम replace करेंगे delta network से. So 20 ohm जो resistor था इसके adjacent में क्या आएगा, node C यहाँ पे आएगी और नोड ए आएगी 10 ओहम्स रेजिस्टेंस के साथ यहाँ पे और नोड बी जो है वो 50 ओहम रेजिस्टेंस के साथ आएगी. सो दिस इज द कन्वर्टेड डेल्टा नेटवर्क. आरसी क्या था 85, RB is 34 ohms and RA is 170 ohms. अब इसमें हम देखें 24 ohms और 30 ohm resistances जो हैं ये दोनों parallel में हैं, इनके दोनों ends आपस में connected हैं. So इनका parallel combination आ जाएगा. Again 30 ohm resistance जो है वो parallel है 170 ohm resistor के, इनका भी parallel combination आ जाएगा. तो हमने वाई से डेल्टा नेटवर्क में कन्वर्ट किया तो वी हैव फाउंड अ सर्किट इन सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन. सो 24 इंटू 34 ओवर सम इज इक्वल टू 14.069 ओहम्स. अगेन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 30 ओहम्स एंड 170 ओहम रेजिस्टेंस विल बी 30 मल्टीप्लाई बाय 170 विच इज इक्वल टू 25.5 ओहम्स. नो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन जो हैं इनको अब हम रिप्लेस कर देंगे सर्किट में. सो द सर्किट विद पैरेलल रिजल्टेंट विल बी 14.069 ओहम्स एंड देयर कॉम्बिनेशन इज 25.5 ओहम्स एंड 85 ओहम रेजिस्टेंस जो है वो एज इट इज आ जाएगी एंड दिस इज 13 ओहम्स with terminals A and B. Now we see 14.069 ohms resistance जो है वो series में है with 25.5 ohms resistance. So इनका series combination आ जाएगा तो their sum will be 39.569 ohms. Now redraw the circuit with the series combination. This was 85 ohms and the resultant is 39.569 ohms. अब ये दोनों resistances जो हैं ये parallel में आ गई हैं. इनका parallel combination हम लेंगे 27 ohms. ठीक है, अब इनका resultant 27 ohms है. Now again redraw the circuit with their parallel combination 27 ohms. और यहाँ पे हमारे पास था 13 ohms और आर ए भी हमने फाइंड करना है विद टर्मिनल्स ए एंड बी. नाउ अब ये दोनों रेजिस्टेंसेस जो हैं ये सीरीज में हैं 13 ohms इन सीरीज विद 27 ohms तो सिंपली ऐड हो जाएंगी. जब ये ऐड होंगी तो हमारे पास आर ए बी रेजिस्टेंस जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी. सो 13 प्लस 27 इज इक्वल टू 40 ohms. So we have found RAB, the resistance between terminals A and B, which is equal to 40 ohms. So हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स सर्किट था, ठीक है, विद रेजिस्टेंसेस जिनको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते थे एज सीरीज और पैरेलल रेजिस्टर्स. सो उनको हमने वाई डेल्टा नेटवर्क के थ्रू कन्वर्ट किया और सॉल्यूशन बनाते हुए हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर लिया है दैट इज 40 ohms.
अब टोटल रेजिस्टेंस 40 ओम्स आ गई है, सो वी इज 150 ओवर 40 इज इक्वल टू 3.75 एम्पीयर्स। सो करंट आई हमारे पास जो सर्किट में फ्लो कर रहा है उसकी वैल्यू क्या आएगी, 3.75 एम्पीयर्स। सो वी हैव फाउंड द टोटल करंट इन द सर्किट।